गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। कल हम 6:30 बजे तक कश्मीर पहुंच चुके थे, लेकिन डिनर करते करते इतनी थकावट हो गई कि ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए। बाकी अभी रेडी हो चुके हैं, सब कुछ सेट है, वी ऑल आर रेडी। अभी आज हमारा लोकल जाने का प्रोग्राम है। लोकल में हम जो देख सकते हैं वो डल लेक है। बाकी जैसे रूट प्लान बना रखा है मैं साथ साथ आपको दिखाती रहूँगी। कल बहुत बारिश थी कश्मीर में, लेकिन आज मौसम काफ़ी खुला हुआ है, सुबह से अच्छी धूप निकली हुई है, तो हो सकता है आगे का रास्ता भी क्लियर हो। अब जो प्लान है हमारा वो है दूध पथरी जाने का। पहले हम सोच रहे थे लोकल जाते, लेकिन लोकल में ऑलमोस्ट, क्योंकि कश्मीर हम दूसरी बार आ रहे हैं, हमने देखा हुआ है। वैसे आप लोग कश्मीर में गुलमर्ग, निशात बाग, शालीमार बाग भी देख सकते हैं डे वन में, लेकिन हमने डिसाइड किया कि डे वन में थोड़ा सा ऑफ पीट जाया जाए और दूध पथरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि श्रीनगर से मेन सेंट्रल से 42 किलोमीटर दूर है। तो वी आर रेडी, आवर कार इज़ रेडी। बहुत ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है अभी निकलते ही, इसीलिए यहाँ से जब भी निकले थोड़ा जल्दी निकले, 8 बजे से पहले निकलेंगे तो रोड खाली मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी जाम है। देखते हैं, लेकिन कहते हैं बहुत अच्छा ग्राउंड भी है और वाटरफॉल है बहुत सुंदर, तो उसी को देखने के लिए निकल पड़े हैं। बाकी ऑन द वे आपको रास्ते में दिखाते जाते हैं क्या क्या पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट का भी कुछ दिखता है तो फर्स्ट वी कैन टेक ब्रेकफास्ट। पेट्रोल पंप, क्योंकि हम दूध पथरी की तरफ जा रहे हैं तो पेट्रोल टैंक फुल करा लिया जाए। बाकी आपकी कार्ड मशीन वगैरह यहाँ हर जगह चलती हैं, कार्ड की प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू द पेमेंट थ्रू योर कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, एवरी थिंग। ये रास्ता दूध पथरी की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में गूगल को अगर हम फॉलो कर रहे थे तो बहुत जगह पर उसने बीच बीच में रास्ता इधर उधर दिखा दिया, जो कि गलत है। बेटर होगा कि यहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स हैं, आप गांव वालों से या लोकल लोगों की हेल्प लीजिए, वो आपको सही रास्ता देंगे, क्योंकि दो तीन बार गूगल करके हमें गलत जगह के पास छोड़ दिया था। बाकी रास्ता ठीक ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पत्थर बहुत है, रोड टूटी हुई है और रास्ता बहुत नैरो हो चुका है, लेकिन सोच के अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद बीच में एक दो व्यू ऐसे आए थे जिनमें आपको लग रहा था बिल्कुल आप नदी के पास हैं और आप वहाँ इंजॉय कर सकते हो, तो अगर बीच में ऐसे व्यू हैं तो मे बी आगे कुछ बहुत अच्छा ही होगा, तो लेट्स सी। बाकी व्यू बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कार का व्यू। ये है दूध पथरी का रास्ता, जो कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया, बीच में व्यूज़ अभी तक मैं पहुंची नहीं हूं, लेकिन व्यूज़ अगर हम बात करें तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मेरे पीछे भी पूरा जो रास्ता है दूध पथरी का, यहाँ के रास्तों के लिए अगर लोकल से ही पूछो तो ज़्यादा अच्छा। जैसे मैं यहाँ पर आके अटक गई, दो रास्ते दिखा रहा है, गूगल की माने तो कह रहा है ऊपर जाओ राइट साइड पे, जबकि ये है लेफ्ट पे, तो आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखेगा। तो ये पहुंच चुके हैं हम दूध पथरी, ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, आई थिंक यहाँ का कुछ लोकल फूड भी है। अभी पहले गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे, कुछ पराठे टाइप का नज़र आ रहा है मुझे, तो वी कैन सी क्या है। दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंदर अलाउड है, वेलकम टू दूध पथरी मिडो ऑफ मिल्क, इसे कहते हैं मिडो ऑफ मिल्क। तो ये है दूध पथरी का रास्ता, एक पार्किंग देनी पड़ेगी डेवलपमेंट, दूध पथरी डेवलपमेंट की 50 रुपये की है कार की, हमने पे किया है। तो आप गाड़ी अगर बीच पर फूड स्टॉल वाले रोकते नहीं हैं, पार्किंग मत लगाइएगा, आप अंदर तक ले आइए, काफ़ी अंदर है, तो अपनी गाड़ी है तो आप अंदर ला सकते हैं, रोड ठीक है, रोड अच्छी है, देख सकते हैं।
कोई कमी नहीं है, लोकल फूड भी है कुछ, उसे भी ट्राई करते हैं अभी। पहले देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मिडो ऑफ मिल्क, मिडो ऑफ मिल्क। भीड़ हो गई भैया, भाई व्यूज देखो, जितना आप ऊपर तक ला सकते हो अपनी प्राइवेट कार को ले आइए। रास्ता ठीक है, रास्ते पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ लोग नीचे बोलेंगे कि यही रुक जाओ, लेकिन ऊपर आते आते जो व्यू दिखेगा दूध पत्री का वो ऑसम है। तो आप ऊपर अपनी गाड़ी ले आइए। थोड़ी सी स्टीप है लेकिन हर मोड़ पे बहुत बढ़िया बिल्कुल व्यू नजर आ रहा है पत्री का ग्राउंड। लेकिन मेरे ख्याल से दूध पत्री थोड़ी और ऊपर है, तो यहाँ पर घोड़े वाले वगैरह आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि घोड़े लेके आप ऊपर जाएं। घोड़े लेके भी ऊपर चढ़ा जा सकता है। लेकिन बहुत लंबा रास्ता और मिनट में मौसम चेंज होता है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पर हल्के कपड़े पहन के आना चाहिए, क्योंकि अभी हम आए थे तो नीचे बहुत गर्मी थी कि हमने गाड़ी में एसी चला रखा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें जैकेट्स निकालनी पड़ेगी। लगातार व्यू कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है बस, और ये लगातार ओले पड़ने शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं गाड़ी में लगातार ओले पड़ रहे हैं। दूध पत्री का मौसम किस मिनट चेंज हो जाए कुछ नहीं पता, तो अपने लिए पूरी तरह से पैकिंग करके आइए जैकेट वगैरह लेके। हर 2 किलोमीटर के बाद वेदर चेंज हो रहा है। भाई ये है फाइनली हम दूध पत्री पहुंच चुके हैं, और आई थिंक एक टाइम के लिए तो मुझे भी लगा था कि शायद मैं इस ट्रैक पे गाड़ी चला पाऊंगी या नहीं चला पाऊंगी, क्योंकि जहां फर्स्ट पार्किंग थी उसके बाद ये जगह बहुत दूर है, मेरे ख्याल से अराउंड 10 या 12 किलोमीटर, और ट्रैक नैरो होता जा रहा है। हर किसी ने कहा कि वहीं रोक दीजिए, लेकिन किसी तरह से फाइनली मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक अपनी गाड़ी को ला पाई, थैंक्स टू माय कार आल्सो, जहां अच्छी से अच्छी गाड़ियां बीच रास्ते में रुक गई थी ये खींच के ले आई। जय भोले बाबा। बना रहे हैं फ्रेंकी, किसका बनता है भैया ये? ये मटर का बनता है, मटर का। और ये रोटी क्या होती है, चपाती? ये लवासा होता है, लवासा। और ये आपकी स्पाइसी कुछ चटनी है जिसे ये मिला के देते हैं, और बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। हम भी ट्राई कर रहे हैं, मस्ट ट्राई है। अब क्योंकि बहुत सारी बकरियां निकल रही है तो आपके लिए एक रास्ता रुक चुका है। जब तक सारी नहीं निकलेंगी तब तक आप जा नहीं सकते, जैसे जम्मू में कॉन्वॉय जाता है ना कि सारी निकलेंगी तभी, वैसे अगर ये बकरियां और भेड़े निकल रही हैं तो आपको रुकना पड़ेगा। और पिछले 5 मिनट से तो हम खड़े ही खड़े हैं। पूरे ट्रैक पे हर जगह पे हर पॉइंट पर इतने अच्छे व्यूज हैं कि टाइम लेके यहाँ आना चाहिए। जैसे हम भी जल्दी निकल गए थे, मेरे ख्याल से 10 बजे करीब निकल गए थे। अभी टाइम हो रहा है 2-3 बज चुके,
और अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हर पॉइंट पर ऐसा लगता है कि आप रुको और एक व्यू देखो, जैसे कि ये ग्राउंड है या इधर का ग्राउंड है, चारों तरफ का एक और पॉइंट जहां पर आपको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है, बहुत पॉइंट है। ऑन द वे भी बहुत सारे पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल की भी कोई कमी नहीं है। बट लेकिन दूध पत्री इज़ नॉट अ जस्ट अ सिंपल पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट नहीं है, ये बहुत ऊपर तक जा रहा है रोड, और हो सकता है बीच बीच में आपको रोके, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं लाइक मी, मैंने काफ़ी ऊपर तक, मैं लास्ट पॉइंट तक गाड़ी लेके गई हूँ अपनी, तो आप चला सकते हैं। बाकी यहाँ का एक लोकल फूड है जो एक तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, दूसरा यहाँ पर एक मक्के की रोटी और सरसों का साग और कुछ अचार के साथ है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमने एक प्लेट तो मक्के की रोटी और सरसों का साग बनवाया, और बाकी मैगी बनवाई है कुछ। यहाँ का अच्छा सब्जी साग, सब्जी वाला, सब्जी वाला साग, ग्रीन वाला दिखाएंगे जरा आप, दिखाना जरा ये तो, अच्छा ये वाला, ये तो लोकल साग है यहाँ का। अच्छा ये तो यहाँ का लोकल अचार, गाजर मूली मिक्स वेजिटेबल। अच्छा ये भी होगा प्याज की चटनी, बढ़िया प्याज की चटनी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कश्मीरी मसाला डालते हैं। यहाँ का लोकल फूड मक्के की रोटी, एक साग और एक यहाँ का स्पेशली अचार, और कहवा भी तैयार हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहवा भी ट्राई कर सकते हैं, कश्मीर आए और कहवा ट्राई ना करें। ये आगे है हमारा कहवा, केसर कहवा, देखने में तो टेम्पटिंग लग रहा है, पी के बताते हैं टेस्ट कैसा है ना। तो ये है यहाँ कश्मीर की फेमस बर्फी, और इसकी खासियत यह है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह से बनी है, तो मेरे ख्याल से इसे आप काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जहाँ हमारी नॉर्मल बर्फियाँ जल्दी ख़राब हो जाती है, हम इसे रख सकते हैं। पर आई डोंट नो टेस्ट कैसा है, एक टेस्ट कर सकते हैं। जी जी मैम है, जी जी थोड़ी, ये तो बहुत सख्त है, कुछ नारियल का सा टेस्ट आ रहा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स का आ रहा है, इसमें नारियल भी डाला हुआ है क्या? मिक्स है, सब चीज मिक्स है इसमें, ड्राई फ्रूट है ज्यादा भी और नारियल भी थोड़ा सा। कैसे दिए ये? पर पीस 30 रुपीज, पर पीस 30 रुपीज, 30 रुपीज पीस।